लास्ट टाइम हमने रिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि फॉर द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, तो मस्ट बी फ्री फ्रॉम द इंटरनल और मैकेनिकल फ्रिक्शन होना चाहिए, हीट और वर्क जितना भी हमने सप्लाई किया है उतने ही वर्क और हीट हमें मिलना चाहिए, देन क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए और हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू और फ्रॉम सिस्टम जो है वो में जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, कोई फ्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए और अल्टीमेटली मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीलेश महाजन भाई समय का ध्यान रखा करो यार, एज एन इंजीनियर हम 5 मिनट ऑलरेडी लेट चलते हैं। आयुष टंडेल मेरे ख्याल से तू हर बार ऐसा करता है, अगली बार अगर 10:35 हो चुका है, 5 मिनट लेट हो चुका है तो तू एंटर नहीं करना। चलिए इसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट करना था हम लोग को, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी हम मतलब रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर डिफरेंस या ये कह सकते हो कि वर्क डन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, वर्क डन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बेटा मंथन तेरी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? भाई अगली बार से ना 10:35 के बाद टाइम मत करना। चंदन गुप्ता भाई 10:35 के बाद मेरे ऊपर कृपा दृष्टि न डालना पड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उसने बताया कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा जो कोई भी एक्चुअल साइकिल जो कंसीडर की जाती है वो आइडियल साइकिल से अलग होगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब भी रिवर्सिबल साइकिल होगी तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, तो I इज इक्वल टू W एक्चुअल के इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया है वो उसी के इक्वल होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी जो है वो हमेशा हमें मैक्सिमम इफिशेंसी देगा या मैक्सिमम वर्क डन देगा। ठीक है, आप पूछोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो एक्चुअली जब हम स्टेटमेंट देते हैं कि जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कार्नोट साइकिल का, तो कार्नोट साइकिल में आपने देखा होगा कि आपका पीएस डायग्राम जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनता है और हम यहाँ पे लिखते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2 एंड T3 इज इक्वल टू T4, बराबर है। तो जब भी हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा हर्षराज सिंह आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? हर्षराज सिंह करके कोई है भाई? दोबारा अगर 10:35 क्रॉस हो चुका है ना तो घंटी ना बजे, वरना मैं आपको बजा लूंगा। ठीक है, तो जब भी हम जब टीएस डायग्राम देखते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S3 के इक्वल हो गया, S4 के इक्वल हो जाएगा और S2 जो है वो S3 के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वो आइडियल साइकिल है जहाँ पे प्रोसेसेस जो हैं वो हमेशा यूनिफॉर्म रहते हैं, लेकिन जब तुम एक्चुअल देखोगे मतलब अल्टीमेटली हमने जो माना है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्स होता है, मतलब हम उसी को कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, तो जब तुम आइडियल साइकिल में जाओगे, आइडियल मतलब क्या हुआ, आइदर पेट्रोल या डीजल साइकिल, सॉरी ऑटो और डीजल साइकिल, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये पता चलता है कि एक्चुअल जो टेम्परेचर हमने एज्यूम किया है
वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं होता है, वो हमेशा कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर जिनमें जब भी आपको इरिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो इरिवर्सिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैक्सिमम लिया मतलब कारनॉट लिया, और उसके बाद एक्चुअल साइकिल से मतलब एक्चुअल वर्जन से उसको माइनस कर दिया, और जब इसको इन टर्म्स ऑफ अब एक्सर्जी की बात कर रहे हैं, तो एक्सर्जी में क्या होगा, तो डब्ल्यू मतलब वर्क डन बाय मैक्सिमम वर्क डन ऑफ यूजफुल वर्क माइनस एक्चुअल वर्क डन ऑफ यूजफुल वर्क, मतलब मैक्सिमम से जब एक्चुअल वर्क डन को माइनस कर देंगे तो हमारा वो यूजफुल वर्क आ जाएगा जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंजन को रन करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्या हो गया, समझ नहीं आया। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। एक साइकिल जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है वो कौन सी साइकिल होगी? कारनॉट इंजन, क्योंकि क्योंकि कारनॉट ने अल्टीमेटली ये बात पहले ही एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि जब भी आप कारनॉट के बारे में पढ़ोगे तो उसमें जो वर्किंग मीडियम है वो हमेशा सिंगल फेस में रहेगा, दूसरा कोई भी लॉसेस को काउंट नहीं किया जाएगा, तीसरा एडियाबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एंड इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा या डिक्रीज नहीं होगा। पूछोगे सर इसका भी मतलब नहीं समझ में आया, तो एक मिनट, इसका मतलब ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। इसका मतलब समझो, देखो जब भी आप कारनॉट को इमेजिन करते हो, तो कारनॉट के टाइम पे आपका जो इक्वेशन बनता है वो बिल्कुल ऐसा स्टेट बनता है, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रोसेस बोलते हैं 1, 2, 3 और ये 4। इसको बोला गया S1, एंट्रोपी ऑफ 1 इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ 4, इसे बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ 2 इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ 3, इसे बोलते हैं T1 इज इक्वल टू T2 एंड इसे बोलते हैं T3 इज इक्वल टू T4, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस को देखोगे तो ये दोनों प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है भाई लोग? यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो जब इसने स्टेटमेंट दिया तो इसने जब उसने 3-4 पॉइंट्स को कंसिडर किया, क्या सबसे पहले फेस की बात करते हैं, तो जो आपका एक्चुअल साइकिल मतलब मैं आपकी बाइक की बात कर रहा हूँ, तो क्या बाइक में फेस चेंज होता है? बाइक में फेस चेंज होता है, कैसे होता है फेस चेंज तो बताएगा? बिल्कुल देते हैं, गैसेस स्टेज में कन्वर्ट होने के बाद वो ऑटोमाइज्ड होता है। ये वर्ड याद रखना है आपको, ऑटोमाइज्ड। ऑटोमाइज्ड का मतलब क्या होता है? तो हमारा सबसे पहले ये लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड के छोटे छोटे स्मॉल से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं, एयर के साथ इस मतलब कॉन्टेक्ट में मिक्स हो जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है ऑटोमाइज्ड। अब बोलोगे सर ऑटोमाइज्ड वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो एक्चुअली ऑटोमाइज का मतलब ये होता है कि वो सेल्फ चार्ज इतने ज़्यादा रहते हैं कि अगर आपने एक हल्का सा चिंगारी भी दिया तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को उसने कैसे समझाया, मतलब यहाँ पे अब आप ये पूछोगे कि सर पेट्रोल इंजन में तो ये पॉसिबल है, लेकिन डीजल इंजन में तो हम स्पार्क प्लग यूज़ ही नहीं करते हैं, तो स्पार्क प्लग जब यूज़ नहीं करते हैं तो वो कैसे ब्लास्ट करता है? तो इसका आंसर ये है कि यही चीज़ आप कंपेरिजन करते हो कि
जिसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है, मतलब आई थिंक 6 to 10 कुछ है, पेट्रोल का 6 to 10 है उसका कंप्रेशन रेशियो कम है, तो उसकी वजह से वो कम कंप्रेस होता है, मतलब उसको हमें इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग देना पड़ता है, जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा 14 to 20 जो होता है किसका डीजल का, तो वो क्या है ज़्यादा कंप्रेस होता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। ठीक, तो हमने क्या बोला पहला कि उसने बोला सिंगल फेस रहता है और प्रैक्टिकल साइकिल में सिंगल फेस नहीं रहता है। तो पहला जो मतलब इसने रिवर्सिबिलिटी की बात की थी वो एक्चुअली रिवर्सिबिलिटी आइडियल साइकिल में पॉसिबल है, मतलब जिसको हम सोच सकते हैं, लेकिन एक्चुअल साइकिल में वो इरिवर्सिबिलिटी हो जाता है। दूसरी बात उसने बोला कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन आपको पता है कि आप जब एक्चुअल साइकिल बनाते हो तो एक्चुअल साइकिल में जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ता है, याद है ये डायग्राम? हमने क्या किया, यहाँ से हीट सप्लाई किया यूएस क्वांटिटी में और यहाँ से हीट रिजेक्ट कर दिया क्यू आर क्वांटिटी में। तो जैसे हमने यहाँ पे हीट सप्लाई किया, मतलब स्पार्क प्लग यहाँ पे स्पार्क किया, तो वो अपना टेम्परेचर जो है वो सबसे हाईएस्ट पे लेके जाता है, ठीक, और इसके बाद फिर वो डिक्रीज होना चालू करता है। तो जब इसने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये प्रोसेस में हीट सप्लाई होगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो उसने रिवर्सिबिलिटी के लिए बोला था, लेकिन पता चला कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरीके से जब आइसोथर्मल की बात आई तो आइसोथर्मल में स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि पीवी रेस टू पावर गामा के रूल्स को फॉलो करेगा और हीट सप्लाई परमिशन नहीं है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग में हीट सप्लाई का, लेकिन वर्क ट्रांसमिट होगा। तो जब स्पार्क हो जाता है तो स्पार्क हो जाने के बाद क्या ये जो आपका इंजन है वो बाहर से कूल रहता है, या आप मतलब मान लो 2-4 मिनट अपनी बाइक को चलाए और इस इंजन को टच करोगे तो क्या वो ठंडा रहता है? नहीं, वो हीटअप हो जाता है। तो इसका जो ये कहना था कि जो आइसोथर्मल में रिवर्सिबिलिटी सॉरी हीट ट्रांसफर नहीं होगा वो भी यहाँ पे रिवर्सिबल इंजन के लिए कहा, लेकिन वो भी गलत हो गए, वो इरिवर्सिबल रहते हैं। ठीक, लास्ट में क्या बोला कि लॉसेस को काउंट नहीं करना, मतलब फ्रिक्शन लॉसेस और जितने भी मतलब रेडिएशन लॉसेज जो हो रहे हैं वो काउंटिंग नहीं, मतलब वो निगलेक्ट नहीं रहता है। लेकिन आपने खुद ने अभी जस्टिफाई किया कि अगर आप अपनी मतलब इंजन की एफिशिएंसी चेक करते हैं तो वो मैक्स टू मैक्स 45 to 50% आता है, इससे आप हाईएस्ट कभी गए ही नहीं। तो फिर वही बात कि कारनॉट ने रिवर्सिबल के लिए बोला, लेकिन हमने जब आइडेंटिफाई किया तो वो इरिवर्सिबल। ठीक है, तो कारनॉट को इसलिए आइडियल साइकिल कहा गया कि उसने जितने भी प्रोसेस बोले वो सब भी रिवर्सिबल थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं थे। चलिए अब आते हैं, समझ में आया भाई अभी? चलिए अब आता है कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, मतलब ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है। ये याद रखिएगा, ये जीटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ना। सबसे पहला है लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, मींस मैकेनिकल केमिकल थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स सिस्टम में एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर मतलब ये बोला जाता है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, लेकिन एक्चुअली कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्सेस रहते हैं जो अल्टीमेटली आपके इंजन को हानि करते हैं। अब बोलोगे ऐसा कैसे सर, मेरी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता क्या है जब वो कंटिन्यूसली चलती रहती है तो आपको उसको सर्विसिंग या मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर आप वो मेंटेनेंस या सर्विसिंग नहीं देंगे तो क्या आपकी गाड़ी जैसे स्टार्टिंग में चल रही थी क्या वो सालों साल वैसे चलती रहेगी? नहीं, मतलब अनबैलेंस फोर्सेस वहाँ एक्ट करेंगे ही करेंगे। दूसरा क्या है, होमोजीनियस थ्रू आउट द मिक्सचर होना चाहिए और केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। तो
एक्चुअली होमोजीनियस तो रहता है थ्रू आउट द सिस्टम, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है वो बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप खुद देखोगे कि बाइक में से काला धुआं आता है, कोई तो बताएगा काला धुआं क्यों आता है? आपने अपने बाइक का साइलेंसर देखा होगा कभी, मतलब गाड़ी आवाज करती है और ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होता है तो आपको उसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है, क्या इंजन ऑयल लीक होने लग जाता है या इंजन में मिक्स होने लग जाता है? ओके, और फ्यूल पूरा बर्न नहीं होता। हाँ, मतलब ये भी एक मेन रीज़न है कि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बराबर इंजन के अंदर नहीं पहुंची तो वो बर्न नहीं करेगा, और बर्न नहीं करेगा तो बहुत सारे फ्यूल पार्टिकल्स जो है वो स्मोक के साथ बाहर आते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ये समझ में आएगा कि इंजन के अंदर जो है वो एयर की क्वांटिटी भी सफिशेंट रहनी चाहिए, मगर वो होती नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रहती है। तो केमिकल कंपोजिशन जो है, लाइनर खराब, एक्चुअली लाइनर का सपोर्ट, मतलब लाइनर का यूज जो है ना वो पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करना और लुब्रिकेंटिंग का काम करने के लिए होता है। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि लाइनर भी अगर, क्योंकि लाइनर अगर खराब होगा तो अल्टीमेटली जो लुब्रिकेंट है वो सिलेंडर के अंदर पहुंचेगा और वो पार्टिकल्स के बर्न होने में रोल प्ले करेगा। ठीक है, चलिए, और लास्ट वर्ड है थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर थ्रू आउट द सिस्टम जो यूनिफॉर्म है। तो क्या आप खुद बताओ, आप 20-40 जो इकोनॉमिकल जोन में चलते हो, क्या आप कभी चलते हो? ये इकोनॉमिकल जोन क्या है पहले बताइए। भाई सभी के पास बाइक है? भाई लोग, क्या सभी के पास बाइक है? बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 20-40 की जो स्पीड है उस पे ग्रीन लाइट लिखा है और उसी के नीचे लिखा होता है इकोनॉमिकल। मतलब क्या होता है उसका? वेरी गुड, आप इस स्पीड पे चलेंगे तो ज़्यादा माइलेज मिलेगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इस स्पीड पे ही ज़्यादा माइलेज मिलेगी, हम 80 या 100 पे चलेंगे तो ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगी? क्या भाई, फ्यूल तो उतना ही बर्न होगा जितना होना चाहिए। एक्चुअली स्टेटमेंट ये दिए गए हैं कि उस समय, मतलब जब आप 20-40 डिग्री, मतलब 40 की स्पीड पे चलते हो, ये तो लॉसेस कम होंगे, और जैसे जैसे लॉसेस कम होंगे अल्टीमेटली आपका जो माइलेज है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए, पहला आया लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिया होते हैं, हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर देखें, मीन्स अगर आप 20-40 तक में रहेंगे। बच्चे लोग 2 मिनट रुकिए, प्रिंसिपल सर क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बताओ, एज एन एथलीट या एज एन हेल्दी पर्सन जस्ट लाइक मी, आपको तेज दौड़ना चाहिए कि धीरे दौड़ना चाहिए? क्या ना, नहीं भाई, हेल्थ मेंटेन करनी है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पीड दौड़ोगे तो कम ही दौड़ पाओगे। चलो धीरे से आराम से चालू करना। ओके, मतलब स्लो दौड़ना चाहिए। और कोई? ये मतलब ये वो आउट ऑफ द बॉक्स का आंसर है। वो एक ने बोला स्पीड दौड़ोगे तो कम दौड़ पाओगे, मतलब धीमे दौड़ोगे तो ज़्यादा दौड़ पाओगे। दूसरे ने बोला कि स्टार्टिंग में कम स्पीड में दौड़ना चाहिए,
बस इसी के कांस्टेंट स्पीड रखनी चाहिए, ये तो न्यूट्रल आंसर हो गया। और कुछ? देखो जैसा सूट करे वैसा। और कुछ? देखो इसका भी आंसर इसी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि हीट ट्रांसफर टू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आपका टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है और ज़्यादा हो जाने की वजह से आपकी बॉडी अलग ही एक मिनट ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा स्पीड दौड़ोगे अल्टीमेटली अलग मतलब आपकी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगी, और वो अपना इक्विलिब्रियम अगर डिस्ट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट साइड इफेक्ट देती है। मतलब अगर आप बिगिनर हो या एक रनिंग चैम्पियन भी हो तो भी आपको एक नॉर्मल स्पीड ही रखनी है, आपको सुपर फास्ट नहीं दौड़ना है। क्यों? क्योंकि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक, अब देखो सेकंड वर्ड आता है लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम। लैक ऑफ प्रेशर इक्विलिब्रियम का मतलब वही होता है कि अगर आपकी बॉडी मतलब मैं इंजन या आपकी बॉडी से आपको समझ रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर अनइवन हुआ तो अनइवन होने की वजह से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रिएक्ट करेगा, और ये टेम्परेचर्स की वजह से डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होंगे, और ये प्रेशर जो है अल्टीमेटली बॉडी को रिवर्सिबिलिटी अटेन करने से रोकेगा। ये देखो लिखा हुआ है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोसेसिंग एनी अदर इफेक्ट। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखें कि सिस्टम और सराउंडिंग, अगर आप अपनी बॉडी को सिस्टम मान रहे हो या एक इंजन को सिस्टम मान रहे हो तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जितना मिनिमम टेम्परेचर रखोगे उतने गैसेस कम होंगे, उतनी फ्रिक्शन कम लगेगी, उतना प्रेशर डिफरेंस कम क्रिएट होगा, अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है या वो इंजन जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी। चलिए फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, तो ये यही दोनों से कोरिलेट कर रहा है कि हीट ट्रांसफर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से, मतलब अगर ज़्यादा हीट हुआ उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होगा, और ये फ्री एक्सपांशन प्रोसेस अल्टीमेटली आपकी इरिवर्सिबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, चलिए पहला क्या था लैक ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब इसी में दूसरा आता है इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू डिसिपेटिंग इफेक्ट, डिसिपेटिव इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, तो डिसिपेटिव इफेक्ट में सबसे पहला फ्रिक्शन होता, तो इन केस ऑफ बाइक काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्लाई व्हील क्या होता है, आपने देखा है फ्लाई व्हील? क्या फ्रेंड्स? प्रैक्टिकली यहाँ आपने कॉलेज में देखा फ्लाई व्हील? किसी दीवार पे, मैं आपको आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, किसी दीवार पे एक कोई व्हील लटका हुआ देखा है आपने? आपने जीसी में किसी दीवार, हाँ रिंग टाइप में देखा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपको कुछ आइडिया है कि हम वो क्यों दिखाते हैं, क्यों बताते हैं? चलो इस चीज को छोड़ते हैं, मेरे ख्याल से साइकिलिंग तो आप सभी ने की है, तो साइकिलिंग करते वक्त आप अपने बचपन के दिनों को याद करो कि आप क्या करते हो, बहुत जोर जोर से 15-20 पैडल मार लेते हो और पैर ऊपर कर देते हो, और वो जो साइकिल है वो घर घर आते हुए बहुत लंबा डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है, पता है?
मतलब किया ही होगा आपने एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये जो कंटिन्यूअसली आप जब पैडल मारना छोड़ देते हो उसके बाद भी वो कंटिन्यूअसली मूव होती रहती है, ये किसकी वजह से होता है, कुछ आइडिया? क्या? रोटेटिंग मास इनर्सिया वाला। एक्चुअली ये फ्लाईव्हील इफेक्ट होता है। इसमें क्या हुआ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब उस फ्लाईव्हील, वो जो फ्लाईव्हील है वो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है और बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको रिलीज कर देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपने देखा होगा कि वॉल के ऊपर में एक व्हील लगा हुआ है, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि वो व्हील जो है थोड़ी बल्की होता है, मतलब भारी होता है। तो अगर हमने उसको एक बार घुमाने के लिए फोर्स लगा दिया तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स वो मूव करता है। तो ये उस फ्लाईव्हील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फ्लाईव्हील की ये प्रॉपर्टी कि वो आपके काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लिया और बाद में उसी काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब आपने जब 15 बार पैदल मंगाया तो वो 15 बार पैदल में जो काइनेटिक एनर्जी यूज़ होनी थी वो यूज़ किया और बाकी स्टोर किया, और जब आपने पैदल मारना छोड़ दिया तो बाद में इसी काइनेटिक एनर्जी को वो बाद में रिलीज करता है। तो फ्लाईव्हील इज अ डिवाइस डेट कैन कन्वर्ट, नहीं, डेट कैन स्टोर काइनेटिक एनर्जी एंड कन्वर्टेड इंटू अगेन काइनेटिक एनर्जी। इसी के ऊपर आपको कुछ सीनियस प्रोजेक्ट भी बना रहा है, अगर कभी मिलोगे लाइव तो मैं बताऊंगा कि यह प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इन केस ऑफ ब्रेक काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ना मेरी नहीं है बेटी, संदीप सर ये ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी था ब्रेक में, वो ब्रेक लगता है और ये ब्रेक लगने की वजह से काइनेटिक एनर्जी है जो वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, या मतलब फ्रिक्शन जो है उसको इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है या खर्च कर देता है। ठीक है, द कन्वर्सन ऑफ दिस इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी within the system to cause the wheel to rotate is not possible। मतलब क्या बोला, देखो फ्लाईव्हील का डेफिनेशन जब मैंने दिया तो मैंने आपको बोला काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है और काइनेटिक एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन जब आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया मतलब फ्रिक्शन अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन अप्लाई करने की वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी में, और ये मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी की दोबारा कैपेसिटी नहीं होती है कि वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उस व्हील को रोटेट करें। आपने देखा कि कभी आपने ब्रेक मार दिया हो और जैसे ही ब्रेक रिलीज किया हो तो गाड़ी खुद ब खुद या आपकी बाइसिकल खुद ब खुद चलने लग गई हो। ठीक है, तो यहाँ से उसने उस फ्रिक्शन को समझाया कि एक्चुअली रिवर्सिबल, मतलब इरिवर्सिबल साइकिल में इस फ्रिक्शन की वजह से वो अपने आप को रिवर्सिबल साइकिल अटेंड नहीं कर पाता। दूसरा होता है स्टर्लिंग वर्क। स्टर्लिंग वर्क मतलब क्या होता है पता है? हेलो, देखो लिखा भी, व्हेन पैडल व्हील रोटेट इन द इंसुलेटिंग फ्रेम। मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट लॉ का वो एग्जांपल याद होगा या एक्सपेरिमेंटल सेटअप याद होगा, जिसमें हमने बोला था कि एक टैंक है, टैंक के अंदर में हमने पानी डाल दिया है, उसका टेम्परेचर में क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड, वो हीट जो है वो हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, है ना। तो जब ये मतलब बोला गया कि एक्चुअली जितना हमने पैडल मारा उतना ही टेम्परेचर राइज होना चाहिए, लेकिन क्या उतना ही टेम्परेचर राइज होता है? नहीं, कुछ एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, लेकिन क्या बाद में ये इंटरनल एनर्जी फिर वो यूजफुल वर्क प्रोड्यूस कर सकती है? तो नहीं कर सकती है,
इस वजह से इसे इरिवर्सिबल प्रोसेस डिक्लेयर किया गया। ठीक है, मतलब जैसे ऊपर आपने बोला था कि मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वही वो वर्ड यूज कर रहा है कि मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड होता है। ठीक, चलिए तीसरा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ रेजिस्टर। तो भाई इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि हाई टेंशन लाइन के अगर आप पास से गुजर रहे हो, पास से गुजरे हो कभी हाई टेंशन लाइन के, तो एक चिट चिट की आवाज आती है, पता है आपको? ये चिट चिट की आवाज क्या होती है? हाँ, तो उससे ये चिट चिट की आवाज क्यों होती है? हेलो, चलिए आज ये आपका असाइनमेंट है, कल आपको मुझे बताना है ना कि हाई टेंशन लाइन में ये चिट चिट की आवाज क्यों आती है। और दूसरी एक चीज और आपने ऑब्जर्व की होगी कि हाई टेंशन लाइन के बीच में लोग बॉल लगा के रखते हैं, कभी देखा है वो बॉल्स? तो वो बॉल क्यों लगाते हैं? हाँ बोलो ना। भाई मैं तुझे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब भी तू हाई टेंशन लाइन के अगल बगल से गुजरेगा तो हमेशा वो चिट चिट की आवाज आती है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ हमेशा, ऑलवेज, कभी कभी या समटाइम्स नहीं वर्ड यूज कर रहा। और दूसरी बात, और हाँ क्या बोल रहे हो? सही बोल रहे हो, क्या है फिर से बोलो आगे से। ओके, ओके, पूरा आंसर नहीं है। चलिए कोई नहीं, कल के लिए आप घूम के निकाल के मुझको देंगे कि ये चिट चिट की आवाज क्यों आती है और दूसरा उसमें बॉल्स क्यों लगता है। चलिए उस चीज़ को मैं आज वहीं पे रोक रहा हूँ। मतलब अल्टीमेटली ये बता रहा हूँ कि भाई रजिस्टर से जब पास होता है इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस या मतलब वो कंज्यूम कर लेता है, जो उस चीज़ को दोबारा एज एन कैपेसिटर वर्क करके रिलीज नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से भी रिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए सो टाइप्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल टाइप, एक्सटर्नल के साथ इंटरनल टाइप, एंड सेकेंड जो है वो है मैकेनिकल टाइप, और जिसने इंट्रोड्यूस किया है। हाँ बोलो। बोलना भाई, आवाज आ रही है तुम्हें? बिल्कुल होता है बहुत। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। रेजिस्टर क्या होता है भाई लोग? रेजिस्टर क्या होता है? अ डिवाइस दैट कैन रेजिस्ट, दैट कैन रेजिस्ट। तो रेजिस्ट करने के लिए उसको भाई रेजिस्ट करने के लिए उसको समटाइम्स ऑफ फोर्स को लगाना पड़ेगा, और ये फोर्स लगाने के लिए उसको पावर तो चाहिए। हाँ ये है कि ये पावर इतना माइक्रो में होता है कि वो काउंटेबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मतलब बोल सकते हो कि वो बहुत ही कम लेवल पे कंज्यूम करता है, लेकिन करता जरूर है। इस चीज़ को ऐसा समझो कि अगर आप मतलब फिसलन वाली जगह पे जाते हो, ठीक है, और तुरंत फिसल जाते हो, तो जो फिसल रहे हो तो क्या वहाँ पर फोर्स लग रहा है भाई? क्वेश्चन ये है कि आप एक स्लिपी सरफेस पे चल रहे हो, और जैसे आपने उस पर पैर रखा और आप स्लिप कर जाते हो, तो स्लिप जो करते हो तो क्या उसमें कोई फोर्स एक्ट कर रहा है? चलो ऐसा नहीं समझ रहा है। दो सुनो,
दूसरे तरीके से समझो, एक फ्लैट सरफेस है जिसको मैंने केवल 10 डिग्री इंक्लाइन किया या 5 डिग्री इंक्लाइन किया, और मैंने एक लिक्विड लिया और उस फ्लैट सरफेस के अपर पार्ट में उसको रख दिया, और ये अपर पार्ट से क्या वो लोअर पार्ट में मूव करेगा? अब इसी पार्ट में मतलब जब ये मूव कर रहा है तो हमने पहले पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या कहता है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में मतलब मूव होने से, मतलब ऊपर से जो नीचे बॉल गिर रही है या लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा इस मूवमेंट को अपोज करता है। तो जब हम लोग अपोज करते हैं तो याद करो आपने एफ एन और एक आर वर्ड यूज़ किया था, याद है आपको? कुछ आपने एक डायग्राम पढ़ा था जिसमें आपने, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़, आपको याद आएगी। ये देखो आपने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था और यहाँ पे एक फोर्स था, इस बॉडी का वेट W था, ठीक है, ये F क्वांटिटी में बाहर की ओर गया था, या आप F बोलते हो, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में R क्वांटिटी में रिएक्ट कर रहा था, और आई थिंक इसके ऊपर आपका न्यूटन मतलब सॉरी नॉर्मल लगा था, ऐसे कुछ सर, ये पार्ट मुझे याद नहीं है, मगर ये तीन पार्ट तो बराबर है। तो अगर आपने स्टेटमेंट दिया था कि F इज इक्वल टू N हो जाएगा तो क्या बॉडी मूव करेगी, सॉरी F इज इक्वल टू R हो जाएगा तो क्या बॉडी मूव करेगी, F मतलब नॉर्मल रिएक्शन था, रिएक्शन वर्ड है, F जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है और W जो है वो बॉडी ऑफ वेट ऑफ द बॉडी है। चलिए क्या पूछा मैंने, F इज इक्वल टू R अगर हो जाए तो क्या बॉडी मूव करेगी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, नहीं करेगी, मतलब अल्टीमेटली फ्रिक्शन हमेशा अपने आप को प्ले करवाता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू उस रिएक्शन से कम हुई तब वो क्या कहता है, वो मतलब उस मूवमेंट को रोक नहीं सकता, लेकिन अप्लाई तो वो हर बार करता है कि भाई मैं इसको अपोज करूँगा। इसी तरीके से आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी करेंट को अपोज करता है कि भाई तू मूव मत कर, लेकिन अल्टीमेटली वो मूव कर लेता है, और जिसकी वजह से सर ये बी है जी कहना आर यू बी टू, और जो ये है करंट, ये तो अल्टीमेटली आपका करंट जो है वो फ्लो होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो प्ले तो होता है लेकिन सम क्वांटिटी में ही होता है, पूरा फुल फ्लैश नहीं होता है। ठीक है भाई, डाउट क्लियर हुआ? चलो अब मैं अगर इसी लिक्विड में, जो आपका लिक्विड है उसमें 1 किलो आटा मिला देता हूँ, अब जो मास फ्लो रेट इनलेट का होगा वही आउटलेट का होगा, विवेक क्यों नहीं होगा? मैं गलत बात है, होना चाहिए ना, क्योंकि फ्रिक्शन तो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है ना वहाँ पे। मतलब प्रॉपर्टी नहीं, देख मैं ये कहना चाहता हूँ बॉडी टू बॉडी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले तो करेगा, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन रोल प्ले नहीं किया, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था वो स्लिपी सरफेस का, आपने जैसे पैर रखा और आप स्लिप कर गए, तो स्लिप कर गए का मतलब क्या है, वहाँ पर फ्रिक्शन अपना रोल प्ले नहीं किया, आप बस फिसल ही गए। ठीक है, मतलब बॉडी टू बॉडी और प्लेस टू प्लेस फ्रिक्शन की क्वांटिटी वेरी करती है, मतलब मैंने अगर एक सिंपल वाटर लिया, फ्रेश वाटर लिया, तो उस समय फ्रिक्शन क्वांटिटी बहुत कम होगी, बॉडी मूव करेगा, लेकिन अगर उसी में मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया और थोड़ा थिक कर दिया तो वहाँ पे फ्रिक्शन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या तेरी लैंग्वेज में तुम्हें भी एक वर्ड यूज़ किया था, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, और विस्कोसिटी अल्टीमेटली उसके फ्लो को रेजिस्ट करेगी, मतलब
बॉडी टू बॉडी वो फ्रिक्शन रोल प्ले करता ही है। अगर फ्रिक्शन रोल प्ले नहीं करेगा तो आप कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते, आप हमेशा फिसल जाओगे। ठीक है, चलिए टाइप्स टाइप्स पे आ जाए। तो पहला है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, दीज आर एसोसिएटेड विद डिसिपेटिंग इफेक्ट आउटसाइड द वर्किंग फ्लूइड। मैकेनिकल फ्रिक्शन ऑकर्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स ये देख के ही वर्ड से समझ में आ गया कि एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से अगर बॉडी इरिवर्सिबल होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल फ्रिक्शन और सम टाइम्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग आउटसाइड द बॉडी। और इसी तरीके से अगर इनसाइड द बॉडी, अगर मतलब इनसाइड द बॉडी ड्यू टू देयर बॉडी प्रॉपर्टी, बॉडी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, तो मैं ये बोलूँगा भाई बुरा नहीं मानना, मैं ये बोलूँगा कि फैटी पर्सन जो है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लिम। तो बीमार पड़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, अल्टीमेटली वो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉडी अपनी क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को या रिवर्सिबल प्रोसेस को अटेंड नहीं करती है, उसे हम बोलेंगे इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अब मैकेनिकल इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, तो इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूड मॉलिक्यूल, फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूड एंड मैकेनिकल पार्ट्स, एंड फ्रिक्शन बिटवीन द मैकेनिकल पार्ट एंड द एटमोसफेयर। मैं कैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देन थर्मल इरिवर्सिबिलिटी, इट इज एसोसिएटेड विद हीट ड्यू टू आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी का इनसाइड, मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा पसीना आता है तो इंटरनली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो, या एक्सटर्नली मतलब आप धूप में समथिंग किलोमीटर चल रहे हो और ये एक्सटर्नली आपकी बॉडी को हीट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आपकी इरिवर्सिबिलिटी होगी उसे हम लोग बोलेंगे थर्मल इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के दिन इस टॉपिक का, इम्पोर्टेंट टॉपिक का नेक्स्ट थ्योरम पार्ट आएगा। याद रखिएगा, आप बुक्स को अगर प्रेफर कर रहे हैं या क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो इरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी पे एक क्वेश्चन और जिस थ्योरम पे एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता है, तो कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अब आते हैं आपके अटेंडेंस के बारे में। चलिए 23 सितंबर, भैया अटेंडेंस दीजिए। फिफ्टीन तक कोई है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट